Hey guys, welcome to my channel WB Free Mesh Solution. This is संजना गिरी. आप लोग जानते हो कि चैप्टर 12 तक हम लोगों ने कम्प्लीट कर लिया है, दैट इज मिक्सचर मिश्रण. सो चैप्टर 13 जो कि बीज गणितीय संख्या राशियों के उत्पादक में विश्लेषण यानी फैक्टराइजेशन ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, वो हम लोग पहले उसके पहले हम लोग वो एक्चुअली अलजेब्रा का पार्ट है, ठीक है. तो उसको सीखने के लिए, ये अलजेब्रा करने के लिए सबसे पहले आप लोगों को फॉर्मूला जानना बहुत ही जरूरी है, ठीक है. इसलिए आज का मेरा टॉपिक है इम्पोर्टेंट फॉर्मूला ऑफ अलजेब्रा. ओके, तो अलजेब्रा में क्या क्या इम्पोर्टेंट फॉर्मूला होता है वो आप लोगों को लर्न करना जरूरी है. लर्न करने से क्या होगा कि आप लोग अलजेब्रा आप लोग को हार्ड नहीं लगेगा, बहुत ही इजी लगेगा. बस क्या करना है, अलजेब्रा में कुछ नहीं होता है, बस सिर्फ फॉर्मूला पे ये डिपेंड करता है. फॉर्मूला यदि आपको लर्न है तो आप लोग आराम से सीख सकोगे. ओके, तो हम लोग इसीलिए मैंने कहा कि पहले आप लोग को फॉर्मूला मैं बता दूं ताकि आप लोग को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, आप लोग आसानी से अपने से भी बना सकोगे, ठीक है. तो चलो हम लोग फॉर्मूला स्टार्ट करते हैं. ओके, तो हमारा फर्स्ट फॉर्मूला है 1 जो कि स्क्वायर से है. आप लोग इसे क्लास 7 में ये शायद आप लोगों ने लर्न किया होगा, a प्लस बी द होल स्क्वायर. a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर. ओके, ये प्लस में है. यदि यही माइनस में रहता a माइनस बी द होल स्क्वायर तो क्या होता, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर. ओके, अब आप लोग ध्यान से देखना, ये बहुत ही जरूरी है आप लोगों को लर्न करना, और जैसे मैं बता रही हूँ आप लोग आराम से लर्न कर लोगे, कोई आप लोगों को प्रॉब्लम नहीं होगा. बस थोड़ा सा अलजेब्रा प्लस माइनस पे डिपेंड करता है और फॉर्मूला पे. ओके, तो आप लोग यहाँ देखो कि यहाँ प्लस है तो ये तो स्क्वायर है, इसलिए यहाँ पे कोई भी ये रहेगा तो ये प्लस ही हो जाएगा, लेकिन यहाँ चेंज हो सकता है, यानी ये प्लस है तो प्लस 2ab हुआ, यहाँ माइनस है इसलिए माइनस 2ab, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर. ओके, नेक्स्ट फॉर्मूला आता है हमारा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का, ठीक है. तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है ये हम पहले सीखेंगे. ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला दो होता है, a प्लस बी द होल स्क्वायर माइनस 2ab, और एक फॉर्मूला होता है a माइनस बी द होल स्क्वायर प्लस 2ab. ओके, आप लोग यहाँ देखो कि यदि ये प्लस वाला फॉर्मूला इस टर्म में आता है, यदि कोई हमारा क्वेश्चन यदि प्लस पे डिपेंड करता है तो ये हम फॉर्मूला लगाते हैं, और यदि कोई माइनस के टर्म में रहता है, यानी जैसे सपोज 2a माइनस 3b इस टाइप का, इसका वैल्यू यदि दे दिया तो ये वाला फॉर्मूला लगेगा, ठीक है. प्लस में ये वाला लगता है और माइनस में ये, तो इसलिए a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर फॉर्मूला बहुत ही जरूरी होता है लर्न करना, बहुत ही इजी भी है, इसीलिए मैं आप लोगों को बोल रही हूँ, ये आप लोग आसानी से पूरा देखना और आप लोगों को ये समझ में भी आएगा, ठीक है. तो चलो नेक्स्ट हमारा है स्क्वायर पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. ओके, तो ये तो सबसे इजी फॉर्मूला है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी. देखो आप लोग कितना इजी है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. देखो प्लस में तो दो है कि एक प्लस वाला एक टर्म आपको याद करना पड़ेगा, एक माइनस वाला. जब यहाँ प्लस रहेगा तो ये बाहर वाला माइनस रहेगा, और जब ये माइनस रहेगा तो बाहर वाला प्लस रहेगा. लेकिन इसमें क्या है, स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, बहुत इजी है ना, ठीक है. अब हम लोग आते हैं क्यूब पे. क्यूब का फॉर्मूला बहुत जरूरी है, यदि ये आप लोग को लर्न हो गया, आप लोग क्लास 7 में भी इस पे आप लोग इस फॉर्मूलाज पे आप लोगों ने क्वेश्चन बनाया होगा, सम्स बनाया होगा. सो अब हम लोग चलते हैं क्यूब पे. ओके, जो कि आप लोग का शायद चैप्टर 5 भी आप लोग का क्यूब रिलेटेड क्वेश्चंस था उसमें. ओके, तो चलो हम लोग, अब ये 1 रहा और हमारा अब ये 2 रहेगा, ठीक है. तो ये क्यूब फॉर्मूला पे कैसे बनता है ये हम देखेंगे. क्यूब का फॉर्मूला नंबर 1, a प्लस बी द होल क्यूब. आप लोग देखो यहाँ स्क्वायर है, अब यहाँ क्यूब आ गया, तो
बहुत ही इजी है, थोड़ा सा जस्ट लर्न करना है आप लोगों को। ये लर्न हो गया ना तो अलजेब्रा कुछ भी नहीं है। हाँ बता दे रही हूँ, बहुत ही इजी है। तो क्या होगा, ए क्यूब प्लस 3a² b प्लस 3ab² प्लस बी क्यूब। कितना इजी है ना, सब टोटल इसमें प्लस है तो टोटल ही प्लस होगा। ए क्यूब प्लस 3a² b प्लस 3ab² प्लस बी क्यूब। ठीक है, अब इसका एक और फॉर्मूला होता है, वो होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। ध्यान से देखो, इसी फॉर्मूला को हम इस तरह से लिख रहे हैं। कैसे, तो आप लोग देखो, ये ए क्यू प्लस बी क्यू, ये वाला ए क्यू प्लस बी क्यू आ गया, उसके बाद ये प्लस 3ab, मैंने इसमें से कॉमन निकाल लिया। इसमें देखो 3ab इसमें है, तो a प्लस बी यहाँ पे आ गया। यानी ये फॉर्मूला लगता है जब a प्लस बी का वैल्यू दिया रहता है इस टाइप का, तब ये फॉर्मूला हमारा लगता है सेकेंड फॉर्मूला। ओके, तो फॉर्मूला दो है लेकिन बहुत ही इजी है। ठीक है, आप लोग आसानी से लर्न हो जाएगा। अब चलते हैं हम लोग माइनस के टर्म में। माइनस का होता है a माइनस बी का होल क्यूब इक्वल टू होता है ए क्यूब। देखो आप लोग, a माइनस बी का होल क्यूब। ठीक है, तो यहां बस ध्यान देना है, ए क्यूब माइनस 3a² b प्लस 3ab² माइनस बी क्यू। अब ये माइनस के टर्म में है, तो यहाँ जहां हम लोग का ये प्लस लगा था, अब यहाँ माइनस हो गया। ओके, तो ए क्यू माइनस 3a² b प्लस, ये जो प्लस है ये प्लस प्लस ही रहेगा और माइनस बी क्यू हो जाएगा। ओके, तो जैसे कि आप लोग सोचो कि यदि हमारा माइनस टू रहता, यहाँ b की जगह पे माइनस टू रहता, तो हम क्या इस तब हमारा क्या रहेगा, या प्लस टू रहता। ठीक है, प्लस टू हम लेकर चलते हैं, तो प्लस टू का होल क्यूब क्या होगा, प्लस एट होगा। ठीक है, तो ये माइनस, यदि यही माइनस रहता तो माइनस हो जाता। तो ये बहुत ही जरूरी है कि यहाँ प्लस माइनस आप लोगों को लर्न करना होगा। ओके, तो ये ध्यान देना है बस यहाँ पे कि माइनस रहेगा तो यहाँ माइनस हो जाएगा और बी क्यू भी हमारा माइनस में होगा। ओके, इसका एक और सेकेंड फॉर्मूला भी होता है जो कि इस तरह से होता है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ए माइनस बी। अब आप लोग यही फॉर्मूला को हम इस तरह से लिख रहे हैं। कैसे, तो आप लोग देखो, यदि हम माइनस यहाँ निकाल दे रहे हैं तो, और 3ab निकाल दे रहे हैं, तो यहाँ क्या हो जा रहा है, कॉमन में मेरा क्या बच रहा है, ओनली a, एंड माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो ये b हो गया, a माइनस बी। ओके, तो ये फॉर्मूला, दो फॉर्मूला, ए क्यूब ए माइनस बी का होल क्यूब का और ए प्लस बी का होल क्यूब का, दो फॉर्मूला है। ठीक है, ये बहुत ही आसान है, बहुत ही इजी तरीका से आप लोग को लर्न हो जाएगा। अब चलते हैं दूसरे फॉर्मूला पे। तो अब देखो, ये फॉर्मूला हमारा ए क्यूब प्लस बी क्यूब का है। ठीक है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब इक्वल टू क्या होता है, ए प्लस बी ए स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, आप लोग ध्यान से देखना ये वाला, ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। यदि यहाँ प्लस है तो मेरा नीच जो सेकेंड वाला ब्रैकेट होगा उसमें ये माइनस रहेगा, ये चीज ध्यान देना है। और यदि यही ए क्यूब माइनस बी क्यूब हो गया तो क्या हो जाएगा, ए माइनस बी यदि माइनस में है तो ये टर्म माइनस हो गया और ये टोटल प्लस में हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। देखो कितना इजी है ना, यदि ये माइनस है तो हमारा ये प्लस में रहेगा और ये प्लस है तो यहाँ ये प्लस के टर्म में रहेगा, लेकिन सेकेंड ब्रैकेट यानी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ माइनस हो जाएगा। ठीक है, ये बहुत ही जरूरी है, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और आप लोगों को बहुत ही इजी तरीका से आप लोगों को लर्न भी हो जाएगा। बस यही ध्यान देना है कि यहाँ प्लस रहेगा तो जो सेकंड ब्रैकेट यानी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर का सेकंड ए माइनस ये हो जाएगा। ओके, और ये यदि माइनस रहेगा तो ये प्लस हो जाएगा। ठीक है, इसमें आप लोग को कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, क्योंकि ध्यान देना है बस यही कि ए क्यू प्लस ए क्यू माइनस बी क्यू है तो यहाँ प्लस होगा और यहाँ माइनस होगा। ओके, ये हो गया हमारा टोटल फॉर्मूला जो कि
फॉर्मूला ये अलजेब्रा इसी पे डिपेंड करता है। यदि आप लोग को ये सारा फॉर्मूला लर्न हो गया तो आप लोग आसानी से कोई भी अलजेब्रा का कोई भी सम्स आप लोग आराम से कर लोगे, आसानी से कर लोगे। ठीक है, तो मैं आशा करती हूँ कि आप लोग सारा फॉर्मूला ये सब लर्न कर लोगे, जिससे कि आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। यदि मैं क्वेश्चन जो मैं ना भी बताऊं तो भी आप लोग बना सकोगे। ओके, तो मेरा यही एम है कि आप लोग आसानी से मैथ सीखो जिसमें आप लोगों को कोई प्रॉब्लम ना हो। सो गाइज, आशा करती हूँ कि आप लोग ये सारा फॉर्मूला लर्न कर लोगे, बहुत ही इजी है, लर्न कर लो। उसके बाद हम लोग चैप्टर 13 हम लोग स्टार्ट करेंगे। ठीक है, और हाँ, आप लोग प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मेरा यही उद्देश्य है कि हर उन बच्चों के पास ये मेरा मैथ्स पहुंचे जो कि अभी COVID-19 के कारण भी, या फिर जो मैथ्स ट्यूशन नहीं ले पाते हैं, क्योंकि अभी ट्यूशन का बहुत ही ज्यादा बढ़ गया है पैसा, बहुत सारे ट्यूशन में बहुत ज्यादा पैसा लगता है, मैथ के लिए तो और ज्यादा लगता है। सो प्लीज गाइज, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप लोगों को यहाँ पैसा नहीं लग रहा है, बस आप लोग को सब्सक्राइब करना है। और हाँ, यदि कोई प्रॉब्लम हो या ना हो, आप लोग प्लीज कमेंट करो, जिससे कि मुझे मोटिवेशन मिले ताकि मैं और आगे बढ़ूं, क्योंकि मैंने अभी नया ये चैनल मैंने अपना स्टार्ट किया है। सो गाइज, प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्लीज शेयर टू दोज हु नीड इट। ओके, आप लोग इसे देखो और समझो, मैं बहुत ही आसान तरीके से आप लोग को बता रही हूँ। सो गाइज, नेक्स्ट में हम लोग चैप्टर 13 स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सो प्लीज स्टे होम, स्टे सेफ। थैंक यू, बाय बाय।